नमस्कार, मैं संजय सनम उड़ीसा के पुरी भगवान जगन्नाथ की भूमि में खड़ा हूँ। व्यूअर्स, आपको मालूम है कि कुछ महीने पहले फोनी का तूफान यहाँ पर आया था और उसने पुरी को बहुत अस्त व्यस्त कर दिया। लोग कहते हैं कि पुरी कम से कम 20-30 वर्ष पीछे चला गया। इस वक्त मैं पुरी के चक्र तीर्थ रोड पे खड़ा हूँ, आप देख रहे हैं, और यहाँ पर मारवाड़ी भोजनालय यानी राजस्थान का एक परिवार, जोधपुर का एक परिवार यहाँ पर आकर के भोजन व्यवस्था का संचालन करता है और अपना रोजगार चलाता है। यहाँ पर ये लोग मारवाड़ी भोजनालय के हैं जो राजस्थान के हैं, और ये जब फोनी तूफान आया था तब ये यहीं पर थे। आपका नाम क्या? सोनराम। आप कहाँ से हैं? राजस्थान में? जोधपुर से। यहाँ पर कितने साल से हैं? 5 साल। 5 साल हो गए। और ये जो फोनी तूफान आया था आपने देखा? देखा। आप यहीं पे थे? क्या कुछ हुआ था उस वक्त? बहुत घटना हुआ था, बहुत घटना हुआ था, बहुत ये बिल्डिंग गिरा, क्रेश हो गई थी। और आपके यहाँ क्या हुआ था? आपका जो यहाँ है छत गिर गया था, निकल गया था, मतलब जो टीन है वो उड़ गए थे। और सब टूट गया था, और मतलब होटल्स में भी बड़ा नुकसान हुआ, सब गिर गया था। तो उस वक्त क्या फील हुआ आपको? आपको क्या लगा कि मतलब सबसे ज्यादा खतरनाक तूफान है? डर लगा था कि पता नहीं क्या हो जाएगा, बहुत डर लगा था। हाँ, इतना खतरनाक तूफान था। आपको राजस्थान की याद आने लग गई थी क्या? परिवार की याद आने लग गई थी? हैं जी, आने लग गई थी। और आपके जान पहचान में भी जो लोग हैं उनको भी बड़ा नुकसान हुआ, अभी तक वो चीज़ कवर नहीं हुई है पूरी, हैं? अभी तक लोग अपना काम शुरू नहीं कर पाए हैं, ऐसा हुआ है, अभी भी लोग नुकसान में। आपको क्या लग रहा है? चौपट हो गया है। आप भी राजस्थान से? कहाँ से? जोधपुर से। तो ये जोधपुर के आप भाई साहब कहाँ से हो? जोधपुर जिला में। अच्छा अच्छा, आप भी यहीं थे क्या उस वक्त? यहीं थे, होटल मालिक है, वही गांव जोधपुर जिला में। अच्छा अच्छा, आपको क्या फीलिंग हुआ था? डर लगा था? लगा था घर भग जाएं, ऐसा लगा था घर भग जाएं? हैं, ये तूफान का जो दौर था, एक दिन ज्यादा जोरदार रहा? एक दिन जोरदार। जिस दिन ये पुरी के तट से टकराया था उस दिन जोरदार रहा, जबरदस्त बारिश है। लाइट कितने दिन तक नहीं रही है? एक महीना तक। आप भाई साहब यहीं के हैं? आप यहीं के हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो तूफान, पहले भी तूफान आए हैं लेकिन इतना ज्यादा भयावह था? इससे कम है। इससे कम? ये सबसे ज्यादा भयानक था, इसका सबसे ज्यादा नुकसान है, अभी भी कवर नहीं हुआ है पूरा? अभी तक बस्ती में लाइट नहीं आया। अभी तक बस्ती में लाइट नहीं आया। व्यूअर्स, फोनी के जख्म अभी भी भरे नहीं है, अभी भी लोगों को के मन में उस बात की आशंका, वो दर्द, वो जख्म याद दिला रहे हैं। हालांकि सरकार प्रशासन अपनी तरफ से पूरा काम कर रहे हैं लेकिन लोगों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई अब तक नहीं हो पाई है। होटलों में बड़ा नुकसान हुआ है। मैं जब पूरी आकर के देख रहा हूँ तो रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन की हालत तो बहुत दयनीय है, हालांकि दिन रात वहाँ काम हो रहे हैं, उसके बावजूद पूरी की हर सड़क से फोनी तूफान का जो अवशेष है वो अब भी सुनाई देता है, वो अब भी नजर आता है। तो आप भगवान जगन्नाथ से क्या प्रार्थना करना चाहेंगे? ऐसा तूफान फिर कभी ना आए, है? यही करेंगे, लेकिन पूरी छोड़ेंगे नहीं, रहेंगे पूरी में, चाहे तूफान आए लेकिन रहेंगे पूरी में। क्या साहब, ये मारवाड़ी भोजनालय के लोग थे, यहाँ पर राजस्थानी जो भोजन होता है वो यहाँ पर परोसा जाता है, और कहा जाता है, मैं भी आया हूँ, मेरा भी अनुभव है कि भोजन के हिसाब से जो बाहर के लोग आते हैं वो यहाँ प्रीफर करते हैं। बजट भी ठीक है, भोजन भी अच्छा है, और राजस्थान के लोग हैं तो अपने राजस्थानी संस्कृति का जो खाना है वो यहाँ परोसते हैं। सिटी रोड मारवाड़ी भोजनालय के पास से मैं संजय सनम आप सभी व्यूअर्स का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत